Hello friend, this is Sangam before you and welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video, I'm going to talk about Retotil 100 mg capsule. So friends, without wasting any more time, we should start the video. Friends, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी दवा आप खुद से न लें, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रेडोटिल 100 एमजी कैप्सूल। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन बहुत ही जबरदस्त मेडिसिन है, बहुत ही शानदार मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल अक्यूट डायरिया को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन एंटी डायरियल कैटेगरी से बिलोंग करता है। फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है मैंने इस वर्ड का इस्तेमाल किया, तो आप पूछोगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी डायरियल कैटेगरी। फ्रेंड्स, एंटी डायरियल कैटेगरी कहने का मेरा अर्थ यहाँ पर यह हो रहा है कि जो डायरिया को कंट्रोल करने का काम करे, ठीक करने का काम करे, मतलब डायरिया के खिलाफ जाके काम करे, उसको हम लोग एंटी डायरियल कैटेगरी बोलते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहे कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाया जाता है, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या इसके डोज, इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। मैं यहाँ पे हर एक चीजों को समझाऊंगा इन अ वेरी सिंपल है, बहुत आसान शब्दों में समझाऊंगा विद द फ्लाइंग कलर्स और बहुत सरलता से भी समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। ये सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँ कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज द्वारा मैन्युफैक्चर किया था। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 15 कैप्सूल्स आते हैं जिसकी कीमत मार्केट में 350 से लेकर 380 रुपए के आसपास में होती है। थोड़ा महंगा आता है लेकिन बहुत जबरदस्त काम करता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आए। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे कौन सा मॉलिक्यूल इस मेडिसिन के अंदर पाया जाता है, विच मॉलिक्यूल इज फाउंड इन दिस मेडिसिन। ये जो मेडिसिन होता है, ठीक है, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल रेस्काडोटिल 100 mg पाया जाता है, जिसे दूसरे शब्दों में एसीटोरफन भी कहते हैं, जो कि साल्ट नेम है। फ्रेंड्स, जिस तरह से हम लोग फीवर को पायरेक्सिया कहते हैं ना, ठीक उसी प्रकार जैसे पैरासीटामोल को एसिटोमिनोफेन बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार रेस्काडोटिल को दूसरे शब्दों में एसिटोरफन भी बोला जाता है। उससे कोई फर्क नहीं, आप याद रखिए कि रेस्काडोटिल बोलो या एसिटोरफन बोलो, दोनों का मतलब सेम ही हो। फ्रेंड्स, यह मॉलिक्यूल डायरिया के ट्रीटमेंट को ठीक करने के लिए कहता है, डायरिया के ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया था। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गए। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहे इसका यूसेज कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था, कि ये जो मेडिसिन है कहाँ कहाँ इस्तेमाल करता है। फ्रेंड्स, बेसिकली इसका इस्तेमाल मूल रूप से अगर इसका इस्तेमाल देखा जाए तो इसको डायरिया को ठीक करने के लिए कहता है। फिर भी चलिए वन बाई वन करके मैं देख लेता हूँ और आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, एक सपोर्टिव तौर पर और एक मेन तौर पर। फ्रेंड्स, नंबर वन यूसेज है इसका अक्यूट और क्रोनिक डायरिया। किसी पर डायरिया छोटा हो, थोड़ा शुरुआत हुआ हो, या तो बोलते हैं क्रोनिक लंबे समय से हो रहा था, उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका मेन पर्पस है, इसका मेन यूज है, इस बात को आप याद रखिएगा, मेन उद्देश्य यही इसका इस्तेमाल करने का, इस मेडिसिन का, कि अक्यूट या क्रोनिक डायरिया को ठीक करने के लिए मेन यूजेज है या मेन पर्पस भी आपको बोल सकते, मेन उद्देश्य यही होता है इसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल कहता है। अब चलिए आप सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट कहते हैं इंटेस्टाइन इन्फेक्शन। अगर आपको आंत में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं कॉन्स्टिपेशन, अगर आप कॉन्स्टिपेशन से सफर कर रहे हो तो एज सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पर डॉक्टर द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं आईबीएस, आईबीएस भी एक बबल का सिंड्रोम होता है, ठीक है, इरिटेबल बबल सिंड्रोम जिसको बोल सकते हैं, बार बार क्या बोलते हैं आवाज आना, गड़गड़ाहट की आवाज आना, तो भी एक तरह का स्टोमक का ही डिजीज, एब्डोमेन का ही डिजीज है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। हालांकि उसके लिए हम लोग नॉर्मैक्सिन प्रिस्क्राइब करते हैं, किसी को बताते भी तो नॉर्मैक्सिन बताते हैं, उस पर मैं कभी अलग से वीडियो बना दूंगा, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर कहते हैं वोमिटिंग मल्टी एपिसोड, कि आपको वोमिटिंग और हो रहा बहुत ज़्यादा, 3-4 बार से ज़्यादा हो गया, तो उसको भी ठीक करने के लिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट तौर पर इसका इस्तेमाल करता है। फिर इनडाइजेशन, अगर खाना आपको सही से नहीं पच रहा है, इनडाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। फ्रेंड्स, बेसिकली इसका इस्तेमाल एब्डोमेन से जुड़ी हुई समस्याओं को, ठीक है, ठीक करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसका मेन जो इस्तेमाल होता है डायरिया के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, चाहे वो अक्यूट हो चाहे क्रोनिक कह सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पर इन सारी जगहों पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको अच्छे से समझ में आए। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ कंट्राइंडिकेशन होता है, विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन यू शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग टू एनीवन। बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी आप कोई भी ड्रग एडमिनिस्टर ना करें,
हो सके, इसका परिणाम घातक हो सकता है, इस बात को याद रखिए। तो फ्रेंड्स इसका नंबर वन कॉन्ट्राइंडिकेशन है प्रेग्नेंट लेडी या प्रेग्नेंट वुमन, अगर कोई लेडी या वुमन प्रेग्नेंट है तो उसको आपको नहीं देना। फिर कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर, अगर कोई महिला अपने बच्चे को स्तनपान कराती है उसको भी आपको नहीं देना। फिर कहते हैं लीवर और किडनी डिजीज, अगर कोई व्यक्ति लीवर और किडनी डिजीज से सफर कर रहा था उसको भी आपको नहीं देना है। इसका सुटेबल डोज तैयार करने के लिए डॉक्टर के एडवाइस पे ही आप करें, आप खुद से न दे, इस बात को याद रखें। तो फ्रेंड्स बेसिकली मैंने इसका 40 का कंट्राइंडिकेशन बताया और मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन आपको समझ में आ गया। प्रेग्नेंट लेडी, प्रेग्नेंट वुमन, ब्रेस्ट फीडिंग मदर आप इसको नहीं देना है। फिर किडनी और लिवर डिजीज पे व्यक्ति सफर करते उनको नहीं देना, इस बात को याद रखिए। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन आपको सस्ता से समझ में आया। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स इस मेडिसिन का ज्यादातर तो साइड इफेक्ट नहीं होता, फिर भी अगर आप ओवर डोज लेते हैं तो आपको हो सकता है फीवर आ सकता है, आपको बुखार लग सकता है, फिर कहते हैं वोमिटिंग हो सकता है, आपको उल्टी हो सकता है, ठीक करने की जगह ये खराब भी कर सकता है। तो इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट देखे आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि इसके जगह वो दूसरा ब्रांड लिख सके या दूसरा कोई दवा आपको चला सके। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका साइड इफेक्ट्स भी आपको अच्छे से समझ में। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहिए इसके डोज के बारे में। फ्रेंड्स बेसिकली ये जो डोज है मैं एडल्ट के लिए बता रहा हूँ जो 18+ है, 1 × BD PC मतलब पोस्ट सीवस, खाना खाने के बाद सुबह शाम इसको देना होता है, ठीक है, ताकि बढ़िया काम कर सके। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके डोज भी आपको अच्छे से समझ में। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगा हो और इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर मेडिकल फ्रेंड्स एंड फैमिली फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू।